जय हिंद। कैंसर जो कि एक जानलेवा डिजीज़ है, कैंसर कई तरह के होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस लंग्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के पाए जाते हैं। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। हमारे शरीर में होने वाले नॉर्मल सेल डिवीज़न सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए द्वारा कंट्रोल होता है, पर जब डीएनए डिफेक्टेड हो जाता है तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होने लगते हैं, जिसे हम कैंसर कहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि कैंसर मरीजों के बाल झड़ जाते हैं या फिर डॉक्टरों द्वारा काट दिए जाते हैं। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कैंसर मरीजों के शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है। कैंसर मरीजों के बाल झड़ने के कारण कीमोथेरेपी होता है। डॉक्टरों द्वारा कीमोथेरेपी का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके, उसे शरीर के दूसरे हिस्से में फैलने से रोका जा सके। कीमोथेरेपी में प्रयोग किए जाने वाले दवाइयाँ कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए कारगर तो साबित होते हैं, लेकिन इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें से बालों का झड़ना कॉमन है। कीमोथेरेपी के अलावा टारगेट थेरेपी और हार्मोन थेरेपी जैसे उपचार भी बालों के झड़ने के कारण हो सकते हैं। कीमोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली दवाइयों को तेज़ी से बढ़ती हुई कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए बनाया गया है, ताकि कैंसर शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ना पहुंच सके। उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो कि कैंसर कैसे होता है और कैंसर के कारण से कैंसर मरीजों के बाल क्यों झड़ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।